बारे में पढ़े थे बहुलक, जब प्रश्न आता है एग्जाम में आपके तो इस तरह से दिया होगा कि आंकड़ों की सहायता से बहुलक याद करें, जेड मोड देते हैं इसे। इसमें प्रश्न दिया हुआ समुद्र तल से ऊंचाई जो कि मीटर में दी हुई है और सर्वेक्षण स्टेशनों की संख्या दी हुई है। पहली दी है 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45। 10 से 15 में स्टेशनों की संख्या है 10, 15 से 20 में है 12, 20 से 25 में है 15 और 25 से 20 में है 20, 35 से 30 से 35 में है 14, 35 से 40 13 और 40 से 45 11। अब आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि तो फॉर्मूला में याद रखना चाहिए मॉड बहुलक बराबर क्या है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइड बाई 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू आई। ये प्रश्न बहुत सिंपल सा है, सिर्फ आपको इस टेबल को देखते ये लगाना है निशान। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वाधिक संख्या किसकी है, 20, तो इसका मतलब हमारा बहुलक क्या हुआ 20। इस बॉक्स को हम क्या करेंगे, इस तरह से कॉलम बना देंगे और इसी से सारे डेटा बनेंगे। लोअर लिमिट एल क्या हो गया 25, ये आपके सामने लिखा हुआ है एल 25। फिर ये जो कॉलम आया ये क्या हुआ एफ वन और इसके ऊपर वाला एफ जीरो और नीचे एफ टू, ये चीज हमने लिखी एफ वन 20, एफ जीरो ये जस्ट ऊपर वाला 15, फिर नीचे हो जाएगा ये एफ टू 14। यहां मैंने टू नहीं लिखा है, ये हो जाएगा हमारा एफ 14। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो इंटरवल है वो है 5। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में हमने क्या किया, हमने सभी बिंदुओं को लिखा है, ये हमारा 25 हो गया, एफ वन ये एफ वन 20 माइनस ये एफ जीरो जो यहाँ पे था 15 माइनस हमने कर दिया, फॉर्मूले के बड़े फिर 2f1 ये 2 मल्टीप्लाई बाय एफ वन माइनस एफ जीरो और एफ टू, एफ टू ये जस्ट नीचे वाला 14। ये आपने फॉर्मूले में पूरे पूरे सभी संख्याएं ली, उसके बाद आपने इसको सॉल्यूशन किया, 20 माइनस 15 ये हो गया हमारा 5, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऊपर चला गया, यहां आपने इन दोनों मल्टीप्लाई किया तो 20 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 40 40 ही हो गया और माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो ये हो गया 29, ये लोअर लिमिट 25। फिर आपने क्या किया 25 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 25 माइनस किया 11। अब यहां ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, डायरेक्ट इसको प्लस कर देते हैं और 11 से, ये डायरेक्ट प्लस नहीं होगा, प्लस करने के लिए क्या करेंगे बटे का 1, फिर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 11। 11 को किससे मल्टीप्लाई करना है 25 से, जब हमने 11 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 275 और 11 का भाग 11 में दिया 110 गया और 1 को 25 से मल्टीप्लाई किया ये 25 और इन दोनों को ऐड किया 300 डिवाइड बाय 11 और ये जो संख्या थी वो हमारा होगा बहुलक। बहुलक प्रश्न बहुत आसान है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है।